तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को तुम देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है भाई कि अगर आप देखोगे तो एक नाइफ है जिसका एज जो है मास एम है। यहाँ से एक नाइफ चला और यहाँ से एक नाइफ आने के बाद ये जो है एक नाइफ है। इस नाइफ का मास कैपिटल एम है, ठीक है, और ये यहाँ से वुड से हाइट एज पर है, ठीक है, और ये अब यहाँ से ये हाइट एज पर है, यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है यू इक्वल टू जीरो से। तो जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी भी। फाइनली जब ये अंदर आएगा तो रिटार्डेशन फील करेगा और फाइनली चलो मान लो यहाँ आके स्टॉप हो गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई। तो ये वाली जो डिस्टेंस है एस, वो इतना चला है, यही पूछा जा रहा है, सॉरी ये डिस्टेंस एस चला है। तो अगर तुम देखोगे तो रिटार्डेशन इस पे रिटार्डेशन फोर्स, तो इसका इसका नाइफ का अगर यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे बेसिकली दो एक्सलेशन लग रहा है। एक एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है जो जी है, और एक एक्सलेशन रजिस्टिव फोर्स रिटार्डेशन ऊपर लग रहा है। तो नेट एक्सलेशन इफेक्टिव नेट एक्सलेशन कितना बना है? जी माइनस है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है यार, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, रिटार्ड हो रहा है, तो वेलोसिटी तो नीचे आ तो नीचे रहा ना, तो जी माइनस है। तो पहले आप नाइफ के लिए लगाओगे, पहले नाइफ के लिए लगाओ तो नाइफ की फाइनल वेलोसिटी निकालो। नाइफ की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS लगा देते हैं नाइफ के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर और 2 और एक्सलेशन एक की वैल्यू ये, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एस, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच के बराबर है, तो वेलोसिटी इक्वल टू 2 GH√, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ से ए की वैल्यू जी होगी, तो यहाँ पर जब हिट करेगा ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 2 GH√। इतनी वेलोसिटी से वुड को हिट करेगा नाइफ। तो अब वुड को हिट करेगा, अब जब वुड के अंदर एक्सलेशन बदल जाता है तो इनसाइड इनसाइड देख रहे हो, इनसाइड वुड वुड के अंदर लगा दो वुड आ जाओगे। थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2 AS लगा दो वुड के अंदर, तो फाइनल वेलोसिटी वुड के अंदर जो है वो 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 2 GH√ और 2, और नेट एक्सलेशन बोर्ड के अंदर है जी माइनस ए और डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। ये तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 GS − 2 AS, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 AS की वैल्यू 2 GS और +2 GH के इक्वल आ जाएगा। इधर टू ये 2 GH हो जाएगा ना। तो फाइनली यहाँ से ए अगर तुम देखो ने 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, तो अगर यहाँ से हमें नेट जो रजिस्टिव एक्सलेशन है ऑफर्ड बाई द बुड जो यहाँ से आएगा, ए की वैल्यू तुम देखोगे यहाँ से तो 2S, हाँ, तो यहाँ से S2 ख़त्म हो गया। जी यहाँ से कॉमन ले लो, जी यहाँ से कॉमन ले लो, तो S+H/S, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी G(1+H/S), ठीक है। दिस इज द नेट रजिस्टिव एक्सलेशन ऑफर्ड बाई द बोर्ड। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम में, तो नेट फोर्स आ जाएगा Mg और 1+H/S, ठीक है ना। इसको आप वर्क एनर्जी थियरम से भी कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। वर्क एनर्जी थियरम से भी आप इसको कर सकते हो। तो Mg(S)H+S इसका फाइनल सोल्यूशन है, मतलब बी ऑप्शन अपना सही बन जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।